नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मुजफ्फरनगर जनपद में शुक्रवार को एक बार फिर से जिला प्रशासन का बुलडोजर अवैध कॉलोनियों पर गिरता है। इस बार विकास प्राधिकरण की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर 50 करोड़ रुपए की 2.5 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चलवाया। दरअसल मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 का है, जहां भूमाफिया द्वारा लगभग 50 करोड़ रुपए की 2.5 एकड़ जमीन पर बिना परमिशन के अवैध कॉलोनियों को बसाया जा रहा था, जिसके चलते आज विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा पुलिस फोर्स के साथ मिलकर इस अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलवाया गया। इस बारे में विकास प्राधिकरण के सचिव महेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद में अवैध कॉलोनियों पर विकास प्राधिकरण द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज यहाँ पर भी एक अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई है। ये 2.5 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए होगी। कुछ भूमाफिया हैं जो इस तरह की अवैध कॉलोनियों को बसा रहे हैं। जो भी ऐसी कॉलोनियां पाई जाएंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की है, किस तरह कल दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं, ज्यादा हो जाए। ये नेशनल हाईवे के किनारे लीगल कॉलोनी बना रहे थे 2.5 एकड़ जमीन पर, वो बिना लेआउट के स्वीकृत कराए बना रहे थे, तो आज हम लोगों ने उसको डिमोलिश किया है। सर, कितनी जगह जमीन थी? 2.5 हेक्टेयर, लगभग 2.5 हेक्टेयर। सर, लगातार मुजफ्फरनगर अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद कॉलोनियाँ बनती आ रही हैं? नहीं, वो जितने बनाएंगे उतने गिराएंगे, बनने नहीं देंगे। सर, लगभग कितनी कीमत की है जमीन होगी? करीब 60-70 करोड़ की हो गया, इसी काम से लिवाली का। आगे के सर क्या प्लान है? और गिराएंगे, सब गिराएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।